साथियों, श्री राम जन्मभूमि सदियों से मामला लटका पड़ा था, अदालत में केस दशकों से चलते रहते थे। राजनीतिक स्वार्थ के लिए अहम विषयों को लटकाओ, देश के लोगों को भटकाओ, यही चलता रहा। क्या क्या तरीके अपनाए गए ये देश ने भली भांति देखा है। आज इतने महत्वपूर्ण और संवेदनशील केस का भी फैसला हो चुका है। साथियों, दशकों पुरानी समस्याओं को सुलझा रही हमारी सरकार के फैसले पर जो लोग सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा रहे हैं, उनका असली चेहरा भी देश देख चुका है और बड़ी बारीकी से देख भी रहा है। मैं फिर कहूंगा, देश देख रहा है और देश समझ भी रहा है। ये सही है कि देश चुप जरूर है, लेकिन बात को पूरी तरह समझ रहा है। वोट बैंक के लिए कैसे दशकों तक कैसे मनगढ़ंत झूठ फैलाए गए, इसे भी देश जान गया है। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके समस्याओं को दशकों तक सुलझने नहीं दिया। तुष्टीकरण की इसी राजनीति की वजह से मुस्लिम बहन बेटियों को दशकों तक ट्रिपल तलाक के भय से मुक्ति नहीं मिल पाई, जबकि दुनिया के अनेक मुस्लिम देश अपने यहां ट्रिपल तलाक बैन कर चुके थे, लेकिन भारत में ऐसा करने नहीं दिया गया। सोच वही थी, न बदलेंगे न बदलने देंगे, इसलिए देश ने इन लोगों को ही बदल दिया। यह हमारी सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया है, मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार दिए हैं, सम्मान दिया है।